हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ कि आप भी सब खुशमंद मंगल होंगे। और फ्रेंड, आज है गुरु पूर्णिमा और आपको ढेरों शुभकामना गुरु पूर्णिमा की। और फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो यहाँ देखिए, मैंने गैस पे पतीला चढ़ा दिया है और इसमें मैंने डाल दिया 1 लीटर दूध। और ये मैंने चावल धो के रख रखे हैं, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। और फ्रेंड, इसमें मैंने आधा कटोरी को आधा गिलास पानी भी डाला है दूध के अंदर। और हम ये भगवान जी के भोग के लिए बना रहे हैं। और मैं हूँ जो निरंकारी माता को मानती हूँ, जो आप सबने सुनी रखा होगा, जो बुराड़ी में है, माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। तो फ्रेंड, मैंने उनका ही नाम ले रखा है। और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने अपने, तो फ्रेंड आप सब अपने अपने गुरु से जो मानते हैं। फ्रेंड, भगवान तो एक ही है, लेकिन हम सब अलग अलग रूप से मानते हैं उनको। और भगवान भी अलग अलग रूप ले रखे हैं, लेकिन फ्रेंड हम सब अलग अलग मानते हैं। तो हम अलग अलग प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमारे निरंकारी मिशन ने जो महामारी फैली है, इसको नाम दिया है नारायण। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस नारायण को भगवान जल्दी से जल्दी सही कर दें, और ये बीमारी महामारी है इसको जल्दी से समेटें और सबको खुश रहें। जैसे कि पहले लोग हंसते खेलते मुस्कुराते रहते थे, उसी तरीके से दोबारा से सब कुछ हो जाए। और फ्रेंड, यही है सभी से प्रार्थना हाथ जोड़ के कि सभी अपने अपने भगवानों से यही प्रार्थना करें और गुरु पूर्णिमा के दिन। और फ्रेंड, सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबसे यही अनुरोध है। और फ्रेंड, मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ खीर भगवान के भोग के लिए। ये देखिए, तो मैंने दूध चढ़ा दिया है और 1 कटोरी ली है दूध, आधा कटोरी है जो मैंने भिगो के रख दिया है थोड़े से चावल को। जब तक दूध उबलेगा तो चावल भीग जाएंगे। और भीगने के बाद फ्रेंड, ये बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएंगे, तो खीर बहुत अच्छी बनेगी। और आगे, और फ्रेंड देखिए, आज मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ, तो सभी भगवानों को मैंने यहीं पे रसोई में बैठा दिया है नहला नहला के। और मंदिर की भी सफाई हम कर रहे हैं। और ये दूध हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। चावल डाल देते हैं और गैस को हमने कम कर रखी है, तो ये धीरे धीरे आराम से बन जाएगी। और फ्रेंड, आधा घंटा तो लग ही जाता है खीर में, पर जब मैं कम रखूँगी तो इसमें पौना घंटा भी लग सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें डाल दिया है चावल, तो बनने देते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड, हमारी खीर बनके हो गई है तैयार, ये देखिए। और ये बहुत गाढ़ी गाढ़ी बनी है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। ये मैंने आधी कटोरी चीनी ली है, ये डाल दी है इसमें। और अब इसमें किशमिश गोला और इलायची और डाल देती हूँ। ये खीर बनके तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ काट के रख दिया गोला, और ये किशमिश है। और इलायची मैंने अभी देखी तो इलायची ख़त्म हो चुकी है, मैं यही डाल देती हूँ। और जिसके पास जो चीज़ हो वो डाल देनी चाहिए। देखिए, तो मैं हम खीर में डाल देते हैं दोनों चीज़ें। ये देखिए फ्रेंड, हमने डाल दिया गोला किशमिश दोनों चीज़। और खीर बहुत टेस्टी बनी है फ्रेंड, ये देखिए एकदम गाढ़ी और बहुत अच्छी बनी है। और अगर मेरी खीर की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और गुरु पूर्णिमा पे आप लोगों ने क्या बनाया फ्रेंड, वो भी मुझे बताना।
देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी और कितनी अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे हमने गैस बंद कर दिया है फ्रेंड, और ये मैंने कटोरी में डाल ली खीर, ये मैं भगवान जी के भोग लगा देती हूँ। माता जी, माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, माता सविंदर जी, और मैंने इनको भोग लगा दिया है, और फ्रेंड ये है इनको भी भोग लगा दिया है, और मैंने इनका ही नाम ले रखा है फ्रेंड, ये मेरे गुरु माता जी हैं। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो फ्रेंड मेरे से बोलने में तो आप मुझे क्षमा कर देना, और बेटी बहन या फ्रेंड समझ के अगर कोई गलती हो जाए तो मुझसे फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे मंदिर हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, ये देखना, क्योंकि कल ग्रहण था और आज हमने साफ़ सफाई कर दी है मंदिर की पूरी, और ये देखिए कितना साफ सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। और ये मेरी सिंदूर की डब्बी है जो मंदिर में ही रखती हूँ मैं पूजा करने के लिए, वो अलग है जो मैं लगाती हूँ, और इसमें चावल रखे, और ये चंदन की डब्बी है। और फ्रेंड मैंने दिया जला दिया है, और मैं अब सभी भगवानों को थोड़ा थोड़ा भोग लगा देती हूँ। और ये देखिए पहले मैं सबसे पहले गणपति जी को लगाऊँगी, ये देखिए, और मैं सभी को थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ। ये शेरावाली माँ की तस्वीर है, ये लक्ष्मी माँ की है, ये भी गणपति जी की है। फ्रेंड मेरे मंदिर में ना 3 गणपति जी रखे हैं, पर लोग कहते हैं गणपति जी इतने सारे नहीं रखने चाहिए, पर फ्रेंड मैं क्या करूँ, अब रखे हैं तो मैं फेंक भी नहीं सकती इनको। और ये शेरावाली माता की वैसे तस्वीर है, और यहाँ पे मेरे राधे कृष्ण की भगवान की तस्वीर लगी हुई है, ये देखिए कितनी सुंदर है। और फ्रेंड अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो ज़रूर देखना।